नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन नैटरी स्पिरिटस डलसिस के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो अनिवार्य रूप से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन नैटरी स्पिरिटस डलसिस स्वीट स्पिरिट्स ऑफ नाइटर के सिम्टम। रोगी को धीरे धीरे आने वाला बुखार के दौरान जब ज्ञानेंद्रियों की निष्क्रियता में जब गहरी जड़िमा घिरे रहती है और रोगी को जगाना बहुत मुश्किल होता है, तो उस समय नैटरी स्पिरिटस डलसिस औषधि बहुत लाभदायक साबित होती है। इसके अलावा मुंह का स्वाद खराब होना, नमक के कारण होने वाले रोग, ज़्यादा ठंडे मौसम में ठंड लग जाने के कारण सर्दी जुकाम का होना, खून की कमी होने के कारण होने वाले बुखार के बाद गुर्दों में तेज जलन का होना, पेट में पानी भरना और पेशाब लाने वाले रोगों में भी यह औषधि बहुत लाभकारी साबित होती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर नैटरी स्पिरिटस डलसिस औषधि का उपयोग, जैसे चेहरे से संबंधित लक्षण, रोगी को चेहरे का स्नायुशूल होना, धूप में जाते ही चेहरे पर जलन सी महसूस होना, गालों में जलन होने के साथ उल्टी होना तथा उसके बाद सुस्ती सी छा जाना, चेहरे की हड्डियों में किसी चीज़ के द्वारा छेद किए जाने जैसा दर्द होना, ऐसा ही दर्द नीचे वाले जबड़े के कोसों में भी होना, जरा सा भी ठंड का बर्दाश्त न होना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को नैटरी स्पिरिटस डलसिस औषधि देना काफ़ी लाभकारी माना गया है। सांस से संबंधित लक्षण, रोगी जैसे ही थोड़ी दूर पैदल चलता है उसकी सांस फूलने लगती है, उरोस्थी के नीचे सिकुड़न के साथ दर्द का होना, इस सब लक्षणों में रोगी को नैटरी स्पिरिटस डलसिस औषधि का सेवन कराना काफ़ी लाभकारी होता है। वृद्धि, दिमागी परेशानी से ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में भी ये रोग बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया, डिजिटलिस की क्रिया बढ़ाती है। तुलना, नैटरी स्पिरिटस डलसिस औषधि की तुलना आप फास्फोरिक एसिड और लाइकोल से कर सकते हैं। मात्रा, रोगी को हर 2-3 घंटे के बाद विशुद्ध स्पिरिट्स की कई बूंदों को पानी में मिलाकर देना चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।